हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत से बिगनर लेवल के जो फ्री हैंड फ्लावर्स है ना, वो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ आप सबको सिखाने के लिए। और इन सब की जो बारीकियाँ हैं वो सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे तभी आप जो ये डिटेलिंग वर्क है ना लीव्स का और फ्लावर्स में, सो वो आप लास्ट तक देखेंगे तभी सीख पाएंगे, क्योंकि सभी काम जल्दी जल्दी नहीं होते। कुछ काम के लिए हमें जो हमारे डिज़ाइंस हैं ना उनको सुखाना भी पड़ता है, जो कलर सूख जाते हैं उसके बाद जो काम होते हैं। सो अब देखिएगा, हाइड्रेंजिया फ्लावर से हम कर रहे हैं स्टार्टिंग हमारी, और हाइड्रेंजिया फ्लावर को बनाना इजी भी है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से टेक्निकली नहीं बनाएंगे तो वो बिगड़ भी सकता है। आप जब भी हाइड्रेंजिया फ्लावर को बनाएं, चाहे किसी भी कलर में बनाएंगे, तो जो आपका बेस कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए आपकी पेटल्स से। सो आप डार्क कलर चूज़ कीजिएगा। मैं पिंक कलर का डार्क कलर ले रही हूँ, और अगर आपको ब्लू कलर का बनाना है तो सबसे डार्क शेड को आप बेस में कीजिएगा। आपको रेड कलर का बनाना है तो आपको बेस में मरून कलर करना होगा। सो इसी तरह से आप ध्यान देकर उसे एक टोन डार्क कलर यूज़ करेंगे ना, तो आपका जो हाइड्रेंजिया फ्लावर है वो डेप्थ लिए हुए लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सो अब जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं ब्रश जो है वो छोटे साइज़ की चूज़ कर रही हूँ, और नियॉन पिंक कलर के साथ साथ मैं इसमें वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हाइड्रेंजिया फ्लावर में वाइट कलर को यूज़ करना ज़रूरी है और इसी से इसकी ग्रेस आती है। सो ये देखिए, एक फ्लावर को आप बेस लेकर उसके बाद आप चार चार पेटल्स की जो ये फ्लावर्स है ना वो बनाइएगा, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। बहुत इजी है ये फ्लावर क्रिएट करना, और बहुत ही इजी है ये फ्लावर जो है मैनेज करना। लेकिन हाँ, अगर आप ये पेटल्स थोड़ा सा ध्यान से नहीं बनाएंगे, अनइवन बनाएंगे, तो इसका लुक बिगड़ भी सकता है। सो ये जब भी बनाएं थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा सा की काम होकर बनाइएगा, आई मीन टू से बिल्कुल शांत होकर बनाइएगा। बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत ही प्यारा है। जब इसका रिजल्ट निकल कर आता है ना, तो रियली में दिल खुश हो जाता है। हाइड्रेंजिया फ्लावर है ही इतना ब्यूटीफुल। ये देखिए, बिल्कुल इजी जो है स्ट्रोक्स वो मैं बना रही हूँ, और जो ये स्ट्रोक्स है ना, ये बस फोर पेटल की शेप में होने चाहिए, कोई भी अनइवन नहीं होना चाहिए। कहीं पर तीन पेटल्स बन रही हैं तो कहीं पर फोर पेटल्स बन रही हैं, क्योंकि एक के साथ एक कनेक्टेड है। सो कनेक्टेड ही आपको ये फ्लावर बनाने हैं, और इतना भी ज़्यादा ना भर दीजिएगा इसको बनाते समय कि जो हमारा बेस कलर है ना वो बिल्कुल भी ना दिखे, क्योंकि बेस कलर अगर इसमें दिखेगा तभी आपको इसमें डेप्थ शो होगी, और तभी ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। सो ये देखिए, नीचे से कलर भी शो हो रहा है, और मेरा जो फ्लावर है ना ये बन भी गया। आप जब बनाएंगे तो वो एक साइज़ और छोटा ब्रश का लीजिएगा, मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये साइज़ यूज़ किया है। और जो लीफ है ना हाइड्रेंजिया फ्लावर के, वो थोड़े से किनारों से नुकीले होते हैं, और नुकीले जो लीव्स हैं ना ये बिल्कुल रोज़ के फ्लावर की जैसे होते हैं, जैसे रोज़ के फ्लावर की जो लीफ होती है ना प्लांट की, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन वो थोड़े से छोटे होते हैं, और हाइड्रेंजिया फ्लावर के जो लीफ हैं वो थोड़े बड़े बड़े शेप के होते हैं। सो ये देखिए, लाइट एंड डार्क का कंपोजिशन करके मैं इस तरफ बिल्कुल डार्क कलर के लीफ बना रही हूँ, और जो और लीफ हैं वो कैसे बनाएंगे तो वीडियो में बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए। सो ये देखिए, इसी तरह से लाइट डार्क का कंपोजिशन लेकर आप भी बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिगनर लेवल के जो फ्लावर्स हैं ना वो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, और ऐसी ही और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं दिल से, तो कहीं भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इस चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि आर्ट फैक्ट्री पीडी हमेशा अपने व्यूवर्स के बारे में सोचता है, वो जो चाहते हैं वो बनाता है। और इसी तरह से अब मैं इसमें देखो लाइट कलर का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लाइट ग्रीन कलर थोड़ा सा फ्रेशनेस का लुक क्रिएट करता है। और जो दूसरी तरफ मैं लीव बना रही हूँ ना, ये थोड़ा सा लाइट कलर का बना रही हूँ, इसमें डार्क कलर का कम यूज़ होगा, क्योंकि उधर से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और
लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम उसमें लाइट कलर को यूज़ करेंगे। और ये लाइट और डार्क का जो कंपोजिशन है ना, किस तरह से आप पहचानेंगे लाइट रिफ्लेक्शन का, आपको किधर से शो करना है, कैसे शो करना है, ये सब मैं मेरी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। एक लाइव सेशन की वीडियो भी है और एक मेरी शेडिंग की वीडियो भी है, आप देखिएगा चैनल पर जाकर, बहुत सारी हैं फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड। तो अब ये फ्लावर हम बनाएंगे, जो हमारा बहुत खूबसूरत सा ट्यूलिप फ्लावर है ना, ये किस तरह से बना रही, बिल्कुल इजी और बिगनर लेवल के फ्लावर्स मैं आप सबके लिए आज ढूंढ कर लेकर आई हूँ। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, जो भी फ्लावर आप बनाएंगे ना अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर, वो फ्लावर आपको हमेशा ही खूबसूरत लगने वाला है। तो देखिए, ओवरलैप करती हुई हमें इस फ्लावर की पेटल्स लेनी है और जो फोर्थ जो पेटल है ना वो बिल्कुल इस तरह से लेनी है, जिस तरह से हम कनेक्टेड जो है कनेक्शन शो करते हैं बाकी की जो हमारी पेटल्स हैं उनमें। सो इस तरह से आप ये बनाइएगा, फोर्थ पेटल तो ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इसके बिना फ्लावर का लुक जो है वो कंप्लीट नहीं होता है और बहुत ही खूबसूरत जो लग रहा है ये नियॉन पिंक कलर के साथ। और ये कलर भी मैंने इसीलिए चूज़ किया है ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली शो कर सकूँ। सो ये देखिए, आप जब भी आप इसको बनाएं ना तो इसी तरह से बनाइएगा, जिस तरह से बंच होता है फ्लावर का, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और जो इसके लीफ होते हैं ना, ये कुछ कुछ स्नेक प्लांट की तरह शेप लिए हुए होते हैं, आई मीन टू से ये थोड़े से लंबे लंबे और पतले पतले होते हैं। मैंने जो एक वीडियो है ट्यूलिप फ्लावर के लिए, उस वीडियो में मैंने ये फ्लैट ब्रश से शो किया था और आज मैं बना रही हूँ ये राउंड ब्रश से। तो फ्लावर्स जो मैंने क्रिएट किए हैं ये तो मैंने किए हैं फ्लैट ब्रश से, और अब ये बिल्कुल ही सिंपल फ्लावर जो कोई भी बना सकता है, लेकिन शेडिंग की टेक्निक तो आपको इसमें भी ध्यान से देखनी होगी। सो सिंपल, ये देखो बिल्कुल ही सिंपल है ये जो टेक्निक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप हल्का सा कलर जो है आपका वो पतला करके कीजिएगा, क्योंकि तभी इसकी शेडिंग का लुक आएगा। और जब ये नीचे का बेस कलर वाइट कलर सूख जाता है ना, उसके बाद कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा गीले में ही कर रही हूँ, लेकिन ये इसकी जो शेडिंग है ना, देखिए कितनी इजी है। हम शेडिंग के लिए इतनी टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है ये सबसे ईजी भी है और सबसे खूबसूरत भी लग रही है। तो ये देखिए, जो शेडिंग चाहते हैं ना इसमें बिल्कुल वही शेडिंग आती है। जब आप इस फ्लावर को बनाएंगे ना, तब आप देखिएगा बहुत खूबसूरत लग रहा है नियॉन पिंक कलर के साथ। और मुझे तो ये कलर रियली में बहुत आई कैचिंग लगा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये फ्लावर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जहाँ पर भी बनाएंगे, बिल्कुल बच्चों के फ्रॉक्स पर तो ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो आप इसको बनाइएगा और ज़रूर दिखाइएगा मुझे भी कि कैसा लगा और कैसा बना। ये देखिए, एक फ्लावर में मैंने थोड़ी सी डार्क कलर की शेडिंग भी की है, लेकिन हाँ वाइट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि फ्लावर्स में लाइट एंड डार्क का कॉम्प्लेक्शन ज़रूर होता है। आप कोई भी फ्लावर को देखिएगा, उसमें आपको जो कलर है ना वो कहीं पर लाइट और कहीं पर डार्क शो होते हैं। और ये देखिए मैं किस तरह से ये लीफ क्रिएट कर रही हूँ, बिल्कुल ईजीली आपको जो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, जो बिल्कुल बिगनिंग की जो होती है ना, जिनको ब्रश चलाना भी नहीं आता, बिल्कुल आप उस तरह से सोचकर ये फ्लावर बनाइएगा। अब ये देखिए, मैंने इसमें कोई ख़ास टेक्निक यूज़ नहीं की है, लेकिन हाँ जो भी है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ना ही मैंने कोई पेंसिल से ड्रॉ करके मैंने बनाया है, और मैं इसको बिल्कुल ही बिगनर लेवल पर सोचकर बना रही हूँ। सो मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, मेरे लिए ये मैटर करता है कि वो क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। कोई इसमें चमक धमक नहीं, कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, जो है जैसा है सब कुछ आपके लिए है, आपके सामने है। सो अब ये जो खूबसूरत से रोज़ फ्लावर है ना, किस तरह से हम इसको क्रिएट करेंगे, सो ये देखिएगा। आप बिल्कुल हाइड्रेंजिया फ्लावर की तरह ही आप इसको बेस में कोई कलर ले लीजिएगा, और कलर लेने के बाद हम किस तरह से नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो करेंगे, सो वो देखिएगा। जब ये सूख जाए ना फ्रेंड्स, तब आप कीजिएगा। सो डार्क जो मजेंटा हमारे फैब्रिक कलर की किट में आता है ना, तो ये वाला जो पैटर्न मैं बना रही हूँ ना, ये वो वाला कलर है। सिर्फ ब्रश के स्ट्रोक्स के साथ मैं आपको सिखाने की आज कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आप रोज़ फ्लावर क्रिएट करें ना, तो
हमेशा मुझे याद करें किस तरह से मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई हैं रोज़ फ्लावर बनाने की, और वन स्ट्रोक में भी रोज़ आपको सिखाया है, शेडिंग में भी मैंने आपको रोज़ सिखाया है, और आज ये मैं बिल्कुल फ्री हैंड लेवल पर भी आपको रोज़ बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि रोज़ फ्लावर है तो इसकी ब्यूटी तो हमेशा से ही आई कैचिंग होती है और सबको बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देखिएगा किस तरह से कर रही हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा कलर सूख जाएं उसके बाद आप ये शेडिंग कीजिएगा, बहुत ही इवनली निकल कर आती है। अब ये देखिए जो वो पिंक कलर मैंने बेस में किया था, अब मैं वाइट कलर को बेस लेकर फिर कर रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा सुखा कर फिर करके दिखाऊंगी आपको, और ये देखिए जो लीफ है ना उनके लिए भी मैं वाइट कलर का बेस ले रही हूँ। इस तरह से हम ये लीफ बनाएंगे, और जो डिटेलिंग वर्क हमारा बाकी है ना वो भी तो हमें करना है। सो आप लोग हमारा जो साथ देते हैं मेरा हर काम में, हर काम को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बताते हैं कहाँ क्या कमी है और कहाँ क्या अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ पढ़ कर। हमेशा कभी कभी अगर रिप्लाई में देर हो जाती है ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लाइफ में सबके पास बहुत सारे काम है, और मेरे लिए तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम मेरे व्यूवर्स की फरमाइश पूरी करना है। सो ये देखिए ये किस तरह से मैंने बनाया है, आप ध्यान से देखिएगा ये जो लीफ है ये वाइट कलर के ऊपर से जब मैं कर रही हूँ ना, तो देखिए कलर कितना निखर कर आ रहा है ना दोस्तों। तो यही फर्क होता है वाइट कलर करने के बाद कलर करने का। सो वाइट कलर करने के बाद जब आप ये डार्क कलर करते हैं ना, तो वो कलर थोड़ा सा निखर कर आता है। अब ये देखिए ना ही कोई वन स्ट्रोक की टेक्निक है, ना ही कोई इसमें बेसिक शेडिंग की टेक्निक है, तो जो भी टेक्निक है बिल्कुल फ्री हैंड है, जो आप कर सकते हैं कोई भी कर सकता है। देखिए इवनली स्ट्रोक है और कुछ भी नहीं है, जब आप इस फ्लावर को बनाएंगे ना तब आप समझेंगे जो इसकी खासियत है। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये हल्का सा सूख जाए, उसके बाद आप ये जो शेडिंग्स है ना ये देते जाए एक कलर की थोड़ा सा ड्राई होने के बाद। तो ये देखिए जब हम ये शेडिंग्स की जो लुक क्रिएट करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा लाइट डार्क का हमें ध्यान में रखना होता है। सो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हल्का सा येलो टच भी इसमें देंगे, क्योंकि उससे थोड़ी सी इसकी ब्यूटी और भी एनहांस होगी और बहुत ही खूबसूरत ये बनेगा। सो अब देखिएगा डिटेलिंग का काम हम किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स ये येलो कलर की जो हल्के से स्ट्रोक्स है ना ये मैं ले रही हूँ, और ये देखिए लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन लेकर, और बनाइएगा तब आप समझेंगे। अभी आप सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जब भी बनाएंगे ना, अब ये देखिए वाइट कलर से जो मैं इसमें डिटेलिंग दे रही हूँ ना, इसकी बात कर रही थी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में, तो ये सब चीज़ें तो एंड तक देखने पर ही तो समझ में आएंगी ना दोस्तों। सो आपको जो मेरी वीडियोस हैं कैसी लगती हैं, क्या आप और सीखना चाहते हैं, क्या आप न्यू कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या सीखना है, क्या आपको करना है, सो आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं हर जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाऊंगी जो आप चाहेंगे। सो अभी फैब्रिक पेंटिंग है, ग्लास पेंटिंग भी हम जल्दी से करने वाले हैं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आर्ट हर किसी को पसंद होती है। कई बार कुछ लोगों के पास साधन नहीं होते, या कह लीजिए कि उनको पता नहीं होता, तो वो लोग नहीं देख पाते हैं। सो आप अच्छे से जो है शेयर करेंगे ना, उनको भी बताएंगे, तो हो सकता है आप भी किसी की मदद कर दें, किसी की बहुत इच्छा हो सीखने की और वो किस तरह से कहाँ से सीखे, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन बिगनर्स लेवल पर खुद को बिगनर समझ कर सिखाने वाले तो बहुत कम है। सो ये देखिए कितना खूबसूरत साइन का जो लुक है वो निकल कर आया है। मुझे तो ये सब फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हाइड्रेंजिया फ्लावर को जल्द ही मैं एक दुपट्टे पर ट्राई करने वाली हूँ, वो वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी ही अवेलेबल होगी।